नेक्स्ट प्रोडक्ट फेस मास्क। ये बेसिकली है हॉट एंड कोल्ड थेरेपी के लिए, हॉट एंड कोल्ड थेरेपी के लिए। जब आप इसको अपने ऊपर अप्लाई करते हो तो सबसे पहले हॉट थेरेपी मतलब गर्म पानी में इसको कुछ देर के लिए डिप कर दीजिए, क्योंकि आपने देखा होगा इसमें जो जेल है वो एक प्लास्टिक शीट के अंदर है, राइट? तो आप उसको पानी में डिप कर दीजिए थोड़ी देर के लिए, फेस को तब तक क्लीन कर लीजिए, चाहे फेस क्लींजर से स्किन टोनर से धो लीजिए, और इसके बाद इसको अपने फेस पे लगाना है। आप अगर फेशियल किट यूज कर रहे हैं तो फेस क्लींजर के बाद इसको अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप फेशियल नहीं कर रहे हैं घर में है तो सिंपल फेस को क्लीन करके भी इसको डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हो अराउंड 10 to 15 मिनट्स। इससे क्या होगा, आपकी स्किन के जो पोर्स हैं वो ओपन हो जाएंगे, वो क्या होंगे, ओपन हो जाएंगे, जितने भी हीट होगी स्किन के अंदर उसको वो बाहर निकाल देगा, और पोर्स ओपन होंगे तो स्किन प्रॉपर ब्रीथ कर पाती है, और उसके बाद आप कोई भी चीज लगाएंगे तो उसको प्रॉपर वो एब्जॉर्ब कर पाता है। तो 10 से 15 मिनट लगाया, उसके बाद इसको क्या करना है, या तो ठंडे पानी में डाल दीजिए या फ्रीजर में रख दीजिए थोड़ी देर के लिए, राइट? उस अगर आप फेशियल के टाइम यूज कर रहे हैं तो फेस पैक, जब अभी पैक लगाया था उसको धोने के बाद आप लगाएंगे, सो दैट जो पोर्स ओपन हो गए हम उसको श्रिंक कर सकें, क्लोज नहीं करना उसको, श्रिंक किया जाता है। और अदरवाइज आप अदर देन फेशियल वैसे ही यूज कर रहे हैं तो डायरेक्टली आप हॉट के बाद एकदम से कोल्ड इसको यूज करेंगे 10 to 15 मिनट्स। अब आपकी स्किन को एक कूलिंग इफेक्ट देगा, स्किन के जो पोर्स ओपन हो गए उसको वापस से नॉर्मल शेप में ले आता है, और उसके बाद आपकी स्किन जो है वो रेडिएंट करना स्टार्ट कर देती है, ग्लो करना स्टार्ट कर देती है, और रेगुलर जब यूज करते हो तो धीरे धीरे जो फाइन लाइन्स हैं रिंकल्स हैं वो भी खत्म होना शुरू हो जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रोडक्ट पे तब बढ़ते हैं, ये है आई मास्क। जैसे मैंने कहा था कि आईज की स्किन सबसे ज्यादा पतली होती है, सबसे ज्यादा सेंसिटिव होती है, इसी वजह से हम ज्यादा कोई चीजें उस पर अप्लाई नहीं कर सकते डायरेक्टली, लेकिन ये फेस मास्क बेसिकली आपकी आईज को रिलीफ देने के लिए, आईज को रिलैक्स करने के लिए, आईज के पास जो फाइन लाइन्स होती हैं, जो झुर्रियां पड़ जाती हैं बिल्कुल बारीक बारीक, उनके लिए है, पफिनेस के लिए है, जिनको थोड़ी स्वेलिंग जैसी लगती है कई बार तो उसके लिए है, और जिनको डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम उनके लिए है, और नो डाउट ये स्ट्रेस को भी कम करता है। और इसको जो है आपको सिर्फ और सिर्फ कूल यूज करना है, ठंडा यूज करना है, आई सेंसिटिव होती है इसलिए हॉट थेरेपी नहीं देनी, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, कोल्ड थेरेपी देनी है। आप चाहो तो गीले टॉवल से गर्म पानी में डिप करके उसे सिर्फ क्लीन कर लें आईज कर, उसके बाद उसको ठंडा जो है बिल्कुल चिल्ड इसको आंखों पे रखें, तो जितना भी आपका पूरे दिन भर का स्ट्रेस होगा वो भी खत्म हो जाएगा, स्किन की जो मसल्स हैं आपकी वो भी रिलैक्स करती हैं, और आपका अगेन जो भी स्किन प्रॉब्लम हो धीरे धीरे क्या है, ठीक होना शुरू हो जाती है। बॉडी शाइनर, वैसे तो किट में जो है स्क्रब के रूप में आता है, लेकिन ये एक बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट कंपनी ने डिजाइन किया है और खास कर से जेंट्स के लिए बहुत जरूरी है। बॉडी शाइनर बेसिकली एक ऐसा प्रोडक्ट है पूरी बॉडी के लिए है, पूरी बॉडी, जैसे कई बार एल्बोज जो होती है आपकी ब्लैक हो जाती है धूप की वजह से, या जो फुट एरिया का वो काफी डार्क हो जाता है, कई बार लोगों की नेक जो है काफी रफ हो जाती है, फेस खिला खिला लेकिन गर्दन काली है, ऑब्वियसली वो भी अच्छी नहीं लगती, तो ये पूरी बॉडी की स्किन को स्मूथ आउट करता है, एक्सफोलिएट करता है, और स्किन के ऊपर ग्लो लेके आता है। इजी टू यूज है, पानी से गीला किया शरीर को थोड़ा सा लेना, देखिए पूरी बॉडी पे तो ऑब्वियसली कम पड़ेगा, तो मात्रा बढ़ा सकते हैं। इसके बाद इसको क्या करना है, सिंपल मसाज करनी टूवर्ड्स योर हार्ट, मतलब अगर आप पैर से जा रहे हो, अगर पूरी बॉडी पे लगा रहे हो तो पैर से स्टार्ट करना है और ऊपर हार्ट की तरफ आपको जाना है, तो नीचे से ऊपर की तरफ मसाज की जाती है। सिंपल है यूज करना, ये थोड़ा सा है लेकिन जब इस पे गीले उस पे शरीर पे लगाओगे तो ये पूरा हाथ जो है मेरा इसे एक्सफोलिएट हो जाएगा। इसमें जो ग्रैनुल्स हैं वो हैं बादाम के, किसके हैं, आलमंड जो है इसमें यूज किया गया है, और उसके अलावा नीम टर्मरिक बहुत सारी और भी जो हर्ब्स हैं हमारी वो इसमें यूज की गई है, तो बहुत ही मतलब सेंसिटिव जिनकी स्किन है उनके लिए भी बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रोडक्ट लेते हैं। ये प्रोडक्ट जो है नो डाउट काफी लोग इसको यूज कर रहे हैं, रिकमेंड भी कर रहे हैं, बहुत लोग क्या है इसको यूज भी कर रहे हैं, प्रॉपर रिकमेंड भी कर रहे हैं, क्योंकि एक ऐसा प्रोडक्ट है जो सिर्फ और सिर्फ स्किन को मॉइस्चराइज ही नहीं करता बल्कि हील भी करता है। स्किन की जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम जिनका नाम सुन के भी डर लगता है, सोरेसिस कहा जाता है, वो कभी खत्म ही नहीं होती, राइट? मतलब बीमारी क्या है वो ला इलाज कहा जाता है सोरेसिस, इस प्रोडक्ट की वजह से सोरेसिस में भी बहुत बढ़िया रिजल्ट्स मिले हैं, मतलब सोरेसिस एक्जिमा जैसे भी प्रॉब्लम ठीक होना शुरू हो गई इस एलो जेल की वजह से, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, एलोवेरा है, इसके अलावा और कोई भी चीज इसमें नहीं है, है कुछ चीजें हैं केसर है हल्दी है वो नाम मात्र की है, लेकिन मेन क्या है इसमें एलोवेरा बहुत फास्ट आती है स्किन के अंदर, पेनिट्रेट करता है, 100% सेफ है, कट वुंड बर्न हो जाए तब भी आप इसको लगा सकते हो, स्किन पे रैसेस हैं बच्चों में नैपी रैसेस हो जाते हैं तब लगा सकते हो, एज ए मॉइस्चराइजर आप इसको यूज कर सकते हो, तो ये एक मल्टीपर्पज प्रोडक्ट है।